कच्चा चिट्ठा ब्रेकिंग में गाजा के अंदर इसराइल डिफेंस फोर्स की बात करेंगे, जिसने वो सुरंग ढूंढ निकाली है जिसमें सिनवार छुपा हुआ था। याया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार ने ये सुरंग बनाई थी और इस सुरंग की लंबाई कुल 4 किलोमीटर है और ये सुरंग इतनी चौड़ी है कि इसमें कार भी जा सकती है। सोचिए आखिर किस तरह की ये पूरी सुरंग यहाँ पर रही। याया सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार का एक वीडियो भी इसराइल ने रिलीज किया, जिसमें सिनवार सुरंग के अंदर कार से सफर करता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल ने हमास की सुरंग पर कब्जा तक कर लिया है। गाजा पट्टी में हाहाकार मच गया है। फिलिस्तीन के तमाम अखबार अब ये खबरें छाप रहे हैं कि इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी के घरों में घुसकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। क्या फिलिस्तीन के अखबारों का ये दावा सही है? इसकी पूरी पड़ताल आगे करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा एक ऐसी सुरंग की है जो 4 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग के अंदर 4 पहिए वाली गाड़ियां बहुत आराम से गुजर सकती हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार से अंदर जाते हुए हमास का नंबर 2 आतंकवादी नजर आ रहा है। इजराइल ने अब इस 4 किलोमीटर लंबी सुरंग पर कब्जा कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि हमास को एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन सुरंग के अंदर हमास के आतंकियों ने इजराइल के सैनिकों को मुकाबला करने के लिए और उनको धमाकों से उड़ाने के लिए भी पूरा इंतजाम किया हुआ था। आखिर कैसा है हमास का ये खतरनाक सुरंग लूप, आपको आगे दिखाने वाले हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी युद्ध के बीच में इसराइल पहुंच चुके हैं। अमेरिका और इसराइल अब इस पूरी जंग में क्या नया बदलाव करने वाले हैं, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे वो खतरनाक सुरंग, जिसके अंदर जाने की हिम्मत करना भी आसान बात नहीं है, क्योंकि सुरंग के अंदर हमास का आतंकी याया सिनवार भी रह चुका था। सबसे पहले आप सुरंग की ये तस्वीर देखिए जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स यानी IDF ने जारी की है। ये सुरंग इसराइल और गाजा के बॉर्डर के पास पाई गई और 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का इस्तेमाल इसराइल पर हमले के लिए किया जा रहा था। इसराइल डिफेंस फोर्स ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि इसराइल और गाजा पट्टी के क्रॉसिंग बॉर्डर के दूसरी तरफ इसराइल का झंडा नजर आ रहा है। इसराइल और गाजा पट्टी की चौकी के पास थोड़ा दूर ही आगे जाने पर वो सुरंग नजर आती है जिसका जिक्र इसराइल कर रहा है। इसराइल डिफेंस फोर्स के मुख्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने खुद इस सुरंग शाफ्ट यानी सुरंग के प्रवेश द्वार तक पहुंचे और उन्होंने लोगों को ये बताया कि सुरंग किस तरह से आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई थी। दिस इज द सिनवार प्रोजेक्ट टनल दैट वाज मेंट टू डू अ टेरर अटैक ऑन द एरेस क्रॉसिंग। द एरेस क्रॉसिंग दैट सिंबल्स होप एंड दिस टनल दैट सिंबल्स हॉरर टेरर कॉन्फ्लिक्ट। इजराइल डिफेंस फोर्स लगातार गाजा पट्टी के अंदर तलाशी अभियान चला रही है और इसी तलाशी अभियान में उसे किसी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक पुराना वीडियो भी मिला है। इस पुराने वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हमास के आतंकवादी बड़ी बड़ी सुरंगों का निर्माण कर रहे हैं। दरअसल इन सुरंगों को भी हमास के आतंकवादियों ने बड़ी बड़ी मशीनों से बनाया था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब गाजा पट्टी पूरी तरह से ब्लॉक है और इसराइल ने नाकाबंदी कर रखी है, तो सुरंग बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी मशीनें गाजा पट्टी के अंदर कैसे पहुंची? इसराइल ने इसी सुरंग का एक और वीडियो भी जारी किया है। ये वीडियो भी हमास ने ही रिकॉर्ड करवाया था। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमास के नंबर 2 आतंकवादी याया सिनवार का भाई मोहम्मद सिनवार टनल के अंदर ही कार से सफर कर रहा है।
यानी ये सुरंगें इतनी बड़ी बनाई गई थी कि इसमें कोई कार भी आसानी से गुजर सकती है। ये तस्वीरें भी उसी सुरंग की हैं जो हमास ने ही रिकॉर्ड की थी। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि इसराइल को घुसने से रोकने के लिए सुरंग में बम बारूद भी फिट किए गए थे। सुरंग के अंदर इस तरह के तमाम दरवाजे मौजूद थे जिन्हें खोला और बंद किया जा रहा था। सुरंग के अंदर भी कई गहरे रास्ते हैं जो हैरान करते हैं। वीडियो में दिखाया जा रहा है कि हमास के लड़ाके सुरंग की मिट्टी को एक खास उपकरण से हटा रहे हैं। हमास की सुरंग में कई छोटी जेल जैसी चीज भी मिली है जिसमें ताला भी लगाया गया है। वीडियो बहुत आश्चर्यजनक है। आखिर किस तरह से एक आतंकवादी संगठन बहुत आसानी से सुरंग के निर्माण में लगा हुआ था। एक तरफ इसराइल की डिफेंस फोर्स ने हमास की सबसे लंबी सुरंग को छीनकर हमास को बड़ा झटका दिया है, दूसरी तरफ गाजा पट्टी के लोग आज दाने दाने के लिए दुनिया की मदद पर मोहताज हो रहे हैं। गाजा पट्टी में भुखमरी लगातार बढ़ रही है। लोग अपना पेट भरने के लिए पूरी तरह से विदेशी मदद पर निर्भर हो रहे हैं। ऐसे में करीब 2 दर्जन राहत ट्रक गाजा पट्टी के अंदर प्रवेश कर चुके थे, लेकिन जैसे ही ये ट्रक गाजा पट्टी में घुसे, गाजा पट्टी के लोगों ने इस ट्रक के पीछे लटक कर खाद्य सामग्री हासिल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से खाद्य सामग्री सड़क पर बिखर गई और गाजा पट्टी में लूट मच गई। ये तस्वीर बताती है कि इस वक्त गाजा पट्टी की हालत कितनी खराब हो चुकी है और भूख इस वक्त एक महामारी का रूप ले चुकी है।